सर आज के प्रोग्राम से मुतालिक से कुछ बताएं सर, किस रीज़न से आप लोग हड़ताल करना चाह रहे हैं और क्यों लोग आपके साथ जुड़े हैं? जैसा कि मोदी की सरकार जो दिल्ली में गैर जमहूरी तरीके से जो काम कर रही है, लॉकडाउन के अंदर पार्लियामेंट के बात पे करके कुछ ऑर्डिनेंस लाया जो आवाम दुश्मन ऑर्डिनेंस है, या पार्लियामेंट में बिल लाया जहाँ पर कि अपोजिशन को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, मार्शल के जरिए एमपी को बाहर निकाल दिया गया और बिल को पास किया गया, किसान के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ 46 बिल जो है ऐसे काला कानून लाया गया जिससे देश के किसान मजदूरों के हित के खिलाफ है, आम लोगों के हित के खिलाफ है। इसलिए हम जब देखें पार्लियामेंट जहां बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो रास्ता छोड़ के और कुछ नहीं, मैदान में ही लड़ाई करनी होगी। इसलिए तमाम किसान मजदूर इकट्ठा होकर के 26 नवंबर के बंद का ऐलान किए, हड़ताल का ऐलान किए, जिस हड़ताल को तमाम सियासी पार्टियां भी उसका जो है हिमायत कर रही हैं और बीजेपी और बंगाल की टीएमसी को छोड़ करके, तो उसी के पक्ष में हर जगह नुक्कड़ सभा हो रहा है जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि बस को कामयाब बनाए, हड़ताल को कामयाब बनाए, क्योंकि आवाम के हित के लिए है ये हड़ताल। मुतालबा है कि जो लोग नॉन टैक्स पेयर हैं उन लोगों को कम से कम महीने में 7,500 रुपया देना होगा, क्योंकि देश का आर्थिक अवस्था बहुत ख़राब है, इकॉनमी जो है गिर चुका है, अगर उसे बढ़ाना है तो आदमी के हाथ में पैसा देना होगा, गरीबों के हाथ में। और साथ ही साथ में तमाम लोगों को जो भी गरीब तबके के लोगों हैं APL BPL नहीं देख करके महीने में कम से कम 10 किलो अनाज दिया जाए ताकि वो जिंदा रह पाएँ, मनरेगा के काम को बढ़ाया जाए, उनके जो उनको तनख्वाह दी जाती है, जो पैसा दिया जाए मजदूरी वो बढ़ाया जाए, ये मुतालबा है। किसानों के हक में बिल को लाया, जो बिल काला कानून जो लाया गया है किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, उस बिल को रद्द किया जाए, इसी मुतालबे को लेकर के 26 नवंबर का दिन हड़ताल है और उसके लिए हर जगह ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उन पर थोड़ा करके लोगों का उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के। आप आज के प्रोग्राम के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या लगता है, जिस तरीके से लॉकडाउन इतने दिनों तक लोग घर पे थे, अभी हड़ताल में लोग क्या आपका समर्थन करेंगे? लॉकडाउन लंबा जरूर हुआ लेकिन लॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन जो है कोरोना के नाम पर, लेकिन इसी दौरान तो हमारे पर्व त्यौहार में भी बहुत छुट्टियां मनाई, उसमें तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये एक दिन जो है, ये एक दिन का नुकसान जो है लोगों को, जो इतने महीने जो लोग बेघर खाए, बेघर रोजी रोजगार खत्म हो गया था, उन सब से छुटकारा पाने के हक के अधिकार की लड़ाई के लिए ही हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।